And my dear kids, welcome to our new video of class 1 English. In this video, do you know what we are going to do? Yeah, very nice. In this video, we are going to read a story and enjoy it. So, are you ready to listen a story? Okay, let's begin with me. And the name of the story is The Bubble, The Straw and The Shoe. Okay, तो ये स्टोरी बबल स्ट्रॉ एंड शू के बारे में है. देखिए, लुक एट दिस पिक्चर. कैन यू टेल मी हु इज शू, हु इज स्ट्रॉ एंड हु इज बबल? यहाँ पर कौन कौन है और बबल कौन है, स्ट्रॉ कौन है एंड शू कौन है? यस, वेरी गुड. दिस इज बबल, दिस इज स्ट्रॉ एंड दिस इज अ शू. तो चलिए इन तीनों फ्रेंड्स की हम स्टोरी सुनते हैं और एंजॉय करते हैं. लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी. लिसन मतलब सुनो एंड एंजॉय करो. किसको एंजॉय करना? हमें इस स्टोरी को जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ के हम एंजॉय करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन विद मी. वंस अपॉन अ टाइम There lived a bubble, a straw and a shoe. एक बार की बात है, एक समय में एक जगह पर बबल, स्ट्रॉ एंड शू रहते थे. One day they went into the forest. Forest क्या होता है? Forest मतलब जंगल. They होते हैं वे सब. ये जो तीनों थे वे. Went, went है go का past form. यानी वे गए. एक दिन वो गए फॉरेस्ट में. They came to a river. और उन्हें रास्ते में क्या मिली? उन्हें रास्ते में मिली एक river. Can you see? Look here. This is a river. Okay? They came to a river. वो river के पास पहुंचे. They did not know how to cross it. वो नहीं जानते थे इस वर्ड को नो पढ़ना है. ओके, के एन ओ डब्ल्यू. यहाँ पर के जो है साइलेंट है, इसलिए इसे नो पढ़ते हैं. और इसका मतलब होता है जानना. यहाँ पर लिखा है दे डिड नॉट नो, यानी वो नहीं जानते थे हाउ टू क्रॉस इट, यानी इस रिवर को क्रॉस कैसे करना है, इसके एक बैंक से दूसरे बैंक तक कैसे पहुँचना है, एक किनारे से दूसरे किनारे कैसे पहुँचना है. ओके, द शू सैड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. अब शू ने कहा बबल से, किससे कहा? बबल से. बबल से कहा बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू, हम तुम पर तैर कर जाएंगे, हमें तुम पर तैरने दो. यानी ये जो बबल होता है, आपने देखा होगा बबल जो है पानी में फ्लोट करता है, तैरता है ना, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम पानी में उतरो और हम सब तुम पर तैर कर एक बैंक से दूसरे बैंक पहुँच जाएंगे. ओके, नाउ टर्न द पेज. The rest part is here. बाकी का पार्ट देखते हैं क्या होता है आगे स्टोरी में. No shoe. अब उसने कहा No shoe. Let straw stretch himself from one bank to the other. अब बबल कहता है नहीं शू, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं? स्ट्रॉ से बात करते हैं. Let straw, straw को stretch करने दो. यानी खींच कर वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करे और लेट जाए. कहाँ पर? वन बैंक टू अदर बैंक, यानी नदी के एक बैंक से दूसरे बैंक तक वो पूरा लेट जाए. बैंक होता है, दिस इज बैंक. और बैंक यहाँ पर वो मनी वाला बैंक नहीं है, इसका मतलब है रिवर का जो किनारा होता है उसको बैंक कहते हैं. स्ट्रेच होता है किसी चीज को खींच कर लंबा कर देना. ओके, तो हिमसेल्फ यानी खुद को. अब उसने कहा कि स्ट्रॉ तुम ऐसा करो, तुम खुद को खींचकर एक बैंक से दूसरे बैंक तक लेट जाओ. देन वी कैन क्रॉस द रिवर. देन होता है तब, और वी होता है हम. तब हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. तो स्ट्रॉ ने ऐसा ही किया, स्ट्रॉ ने स्ट्रेच किया खुद को, एक बैंक से दूसरे बैंक तक स्ट्रेच कर दिया. When the shoe jumped on the straw, it broke. जैसे ही शू ने जंप किया, किस पर? जैसे ही शू ने जंप किया स्ट्रॉ पर, it broke. It यानी यह. कौन है यहाँ पर यह? कौन है it?
इट है हमारा स्ट्रॉ ब्रॉक, यानी ब्रॉक होता है टूट गया। जो स्ट्रॉ था वो ब्रॉक हो गया, टूट गया। द शू फेल इनटू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश। जो शू था फेल मतलब गिर गया। इनटू द वाटर, कहाँ गिर गया? इनटू द वाटर। और कैसी आवाज आई? स्प्लैश, लाउड मतलब जोर से, तेज आवाज आई स्प्लैश की, छपाक। ओके, द बबल शुक विद लाफ्टर एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग। जो बबल था शुक, शेक होता है ना, हिलना, तो उसके जो पास्ट फॉर्म है वो शुक है। जो बबल था अब शुक हिलने लगा, जोर से हिलने डुलने लगा। क्यों हिलने लगा? क्योंकि वो जोर से लाफ्टर, हंस रहा था। एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग। बर्स्ट होता है फट जाना, और वो फट गया बिग बैंग, एकदम भटाक करके वो था फट गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बबल है वो बर्स्ट हो गया है, जो स्ट्रो है वो ब्रेक हो गया है, एंड जो शू है वो फेल हो गया है, यानी वो पानी में गिर गया है। तो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू एंजॉयड इट अलॉट। मेरे को आशा है कि आपको ये स्टोरी खूब पसंद आई होगी, आपने खूब एंजॉय किया होगा। एंड आई ऑल्सो होप कि आपको यहाँ पर वर्ड्स की प्रोनंसिएशन भी क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड थे उनको हम प्रोनाउंस कर लेते हैं ताकि सारे वर्ड क्लियर हो जाएं आपको। फॉरेस्ट, दिस वर्ड इज फॉरेस्ट, इसको हम नौ पढ़ेंगे। दिस इज रिवर, ओके। एंड फ्लॉट, स्ट्रेच, बैंक, स्ट्रेच्ड, देन स्प्लैश, लाफ्टर, बर्स्ट, बिग बैंग। ओके, तो दीज वर द वर्ड्स जिनकी हमें प्रोनंसिएशन और अच्छे से सीखनी है। थोड़ा सा इनको पढ़ना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आई नो माय स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, बहुत ही जल्दी से लर्न कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी से सीख लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस स्टोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड फ्रॉम दिस टू दिस, दिस इज द सेकेंड पार्ट, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज द थर्ड पार्ट। अब आपको क्या करना है, एक एक करके हर पैराग्राफ को रीडिंग करना है और मुझे शेयर करना है। तो फर्स्ट डे आपका जो टास्क रहेगा वो आपका टास्क रहेगा कि आप जो फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पर हमने नंबर 1 जिस पैराग्राफ को लिखा है फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से यहाँ तक आपको इसको रीडिंग करना है अच्छे से प्रोनंसिएशन के साथ। पहले समझना है क्या, किस वर्ड की प्रोनंसिएशन क्या है, उसको समझना है, प्रैक्टिस करनी है। देन यू विल रीड द लेसन, यू विल रीड द पैराग्राफ, यू विल रिकॉर्ड योर ऑडियो एंड शेयर इट विद मी। Hope you understood and liked the story. Thank you and have a nice day.